हमारे पास इस वक्त सबसे ज़्यादा ताकत है मीडिया की, ये सारी दुनिया के पास है। पाकिस्तान का मीडिया पिछले 20 सालों से अपनी वो जो एक टीथिंग प्रॉब्लम है उसी को रिकवर नहीं कर पा रहा, इसको मैच्योर हो जाना चाहिए था। और मीडिया को कहा जाता है कि ये सरोगेट पेरेंट है, पैदा करें कि हम मैच्योर हो जाएं। हाँ, कुछ भी हालात हैं, लेकिन इस वक्त हमारे सामने जो चीज़ है हम तो उस पर बयान दे रहे हैं ना, अपना उस पर तबसरा कर रहे हैं। तो ये सरोगेट पेरेंट है, इन द एब्सेंस ऑफ द पेरेंट्स इट्स द मीडिया दैट गाइड्स द चाइल्ड। तो बदकिस्मती ये है कि जिस चूंकि हमारी कोई कल सीधी नहीं रही, इसलिए मीडिया को भी मैनेज करना या मीडिया को प्रॉपरली गाइड करना, लोगों तक ये बात पहुंचाना कि अपना बच्चा स्कूल क्यों भेजें और किस स्कूल भेजें और क्या पढ़ाएं और कैसा शहरी बनाएं, इस तरह आप देखें मीडिया से ये मौजूदात मुकम्मल तौर पर एबसेंट है। और मीडिया में शाह साहब सिर्फ आप ही का नहीं, मीडिया में रेडियो है, प्रिंट है, और सबसे बड़ी जो ताकतवर तरीन चीज़ है वो सिनेमा है। आप देख लीजिए पाकिस्तान में सिनेमा का क्या हालात हैं। ये जो रशिया का अजीम जो लेनिन था वो ये कहता था कि नीम खानदा मुआशरा, सेमी लिटरेट मुआशरा जो होता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ताकतवर जो चेंज एजेंट है वो सिनेमा की स्क्रीन है, सस्ता होता है। अब यहाँ पे देखिए, लेकिन हमाद साहब देखें, मैं तो ये कर सकता हूँ कि मैं तालीमी जो वज़रा जिनको कलमदान मिलता है उनसे जाके सवाल कर सकता हूँ, स्कूल एजुकेशन सिस्टम दिखा सकता हूँ, बच्चों से जाके एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन का सवाल कर सकता हूँ, टीचर्स को लेके टीचर्स की एजुकेशन क्वालिटी का सवाल कर सकता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा सकता हूँ। आप कोई एक इशू बताएं जिससे मैंने प्रोग्राम ना किया। पॉइंट ये है सर कि मीडिया तो किरदार अदा कर रहा है, मेरा सर यहाँ पे एक बुनियादी सवाल है, वो सवाल ये कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्प्रूव कैसे होगा हमारे सरकारी निज़ाम में। जी सरकारी निज़ाम में शाह साहब, पहली बात तो ये कि जो आप एफर्ट कर रहे हैं ये बड़ी काबिल कदर है, इस ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब आपके अलावा भी कुछ लोग आएँ और मुख्तलिफ मीडिया से आएँ, एक बात। दूसरी बात ये कि बड़ी अच्छी बात डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब ने अभी अपनी नई किताब में लिखी है, उन्होंने कहा कि हमारा सारा फोकस थ्रू आउट द हिस्ट्री ट्रांसमिशन ऑफ एजुकेशन पे रहा है, हालांकि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंडिविजुअल पे होना चाहिए। तालीम का मकसद शख्स को, फ़र्द को बदलना है, उस तक इल्म का जो एक वज़न है वो शिफ्ट कर देना, ये वाहिद जो है वो मकसद नहीं होना चाहिए तालीम का। तो मेरा ख्याल है हमारी पॉलिसी में अगर ये चीज़ शामिल कर ली जाए, दो चीज़ें शामिल कर ली जाएँ, नंबर एक तो ये कि जो आने वाली इकोनॉमी है वो नॉलेज इकोनॉमी है, इसमें नॉलेजेबल को अकवाम ही एक सर्वाइव कर सकेंगी, और उस नॉलेजेबिलिटी के लिए हमें क्या करना होगा, ट्रांसमिशन के मेथड को छोड़ के ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ना होगा, हमें हर इंडिविजुअल पे तवज्जो देना होगी और पॉलिसी में इस चीज़ को शामिल करना होगा। सर ये कैसे तवज्जो दी जाएगी जब पे हर सियासी जमात नई बरसर इकदार आती है, वो एक नया सियासी नारा लेकर आती है, एक नई पॉलिसी लेकर आती है, ऐसा क्यों नहीं है? देखिए आप भी एजुकेशनिस्ट बैठे हैं, रजा साहब भी एजुकेशनिस्ट बैठे हैं, मेरा आप दोनों से इकट्ठे सवाल ये है कि क्या इस स्कूल के एजुकेशनिस्ट मिलके कोई स्कूल एजुकेशन के लिए कोई पॉलिसी नहीं बना सकते, कोई रिसर्च पेपर नहीं शाया कर सकते, कोई डाटा बेस्ड पे कोई चीज़ गवर्नमेंट को प्रेजेंट नहीं कर सकते कि खुदारा ये एक पॉलिसी है जिसको सियासत के बरक्स कोई भी सियासी जमात हो एक पॉलिसी पेपर शाया किया जाए और बताया जाए कि इस पर अमल दरामद किया जाए, लेट्स डू इट फॉर 10 ईयर्स, 10 साल करके देखिए उसका नतीजा, देखिए उसके बाद फैसला करें कि पॉलिसी सही है या गलत है। यही मसला है ना शाह साहब।